नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं MPPSC प्री 2019 के बारे में, यानी कि स्टेट सर्विस स्टेट फॉरेस्ट दोनों ही फॉर्म के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी आपको फॉर्म भर के भी दिखाएंगे, पूरी फुल जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ बताएंगे। दोस्तों बहुत से सवाल आ रहे हैं, क्या इसमें रोजगार पंजीयन जरूरी है? तो जवाब है हाँ, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। दूसरा सवाल आ रहा है, क्या इसमें अदर स्टेट के लोग रोजगार पंजीयन क्या एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? उसका जवाब भी हाँ है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका पेमेंट रोजगार पंजीयन का जो रजिस्ट्रेशन है अदर स्टेट वाले, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो या कहीं भी हो, एमपी के बाहर के लोग, उसमें रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो दोस्तों रोजगार पंजीयन की भी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी आपको हम चलिए फॉर्म के बारे में जानकारी दे देते हैं और पेमेंट का भी जो लोग को इशू आ रहा है उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको नंबर 1 वेबसाइट सरकारीरिजल्ट.com को ओपन करना है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिएगा लास्ट में .com जरूर लगाइएगा, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत ही फेक और नकली वेबसाइटें आ गई हैं जिसमें आपको गलत जानकारी अधूरी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, उसका नाम है रोजगारीरिजल्ट.com। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट भी सरकारीरिजल्ट.com की तरह ही ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है और बहुत ही तेज अपडेट होती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सीधा फॉर्म की, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे MPPSC का जो फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए MPPSC का फॉर्म दिया है, हम क्लिक कर देते हैं इस पर। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म जो है इसका 20 नवंबर से स्टार्ट है, 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 13 से 11 दिसंबर के बीच आप कर सकते हैं। एग्जाम इसका 12 जनवरी को है और 8 जनवरी को इसका एडमिट कार्ड आएगा। दोस्तों इसमें टोटल 336 पोस्ट है। फीस की बात करें, पहले तो फीस ज़्यादा रखी गई थी, लेकिन बाद में इसकी फीस रिवाइज करके 500 रुपये और 250 रुपये, लेकिन इसके साथ में आपको बता दूँ इसमें 40 रुपये पोर्टल चार्ज भी है जो लगेगा अलग से आपका, यानी जनरल की फीस हो गई 540 और कैटेगरी की फीस हो गई 290 रुपये। पेमेंट आप इसका क्योस्क के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और समय ना वेस्ट करते हुए सीधा हम फॉर्म पे चलते हैं। आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो यहाँ नोटिफिकेशन के लिंक है, आप यहाँ से लिंक से जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सीधा हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली टिक करना है और आई एक्सेप्ट करके आगे चलना है। और साथ ही साथ बता दीजिए इसमें आपके पास स्कैनिंग में जो है पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए नई, ठीक है। फोटो में इसी सीधे आप कैमरे की तरफ देखते रहे, संलग्न फोटो हो सकते स्पष्ट रूप से होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि आप दोनों के लिए डाल रहे हैं कि स्टेट सर्विस के लिए प्री के लिए डाल है। तो दोस्तों दोनों और उसमें डालने में कोई अंतर नहीं है, साइंस साइड वाले लोग फॉरेस्ट के लिए डाल सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। मैं केवल आपको स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का भर के दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है आपको, सेकेंड नेम डालना है और सरनेम डालना है अपना। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, 1/1/2020 को आई हुई आपकी कितनी है वो आपको शो करेगा। दोस्तों आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे डालना है, मदर नेम डालना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है क्या आप मैरिड है, अगर विवाहित है तो आपको दोस्तों अपने बच्चों की संख्या देनी पड़ेगी, अंतिम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, बच्चे जुड़वा है कि नहीं वो देने पड़ेगी, क्या आवेदक विधवा या तलाकशुदा पीड़ित महिला है, तो अगर आपका है ऐसा तो आप देना है, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन आ गया रोजगार पंजीयन का। जी हाँ दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही मस्ट है, आपका होना चाहिए रोजगार पंजीयन। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपको रोजगार पंजीयन के लिए आपके लिए एक वीडियो हम और डालेंगे, उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैंने रोजगार पंजीयन कर रखा है, हम यस कर देंगे। फिर पूछ रहा है आपका रोजगार पंजीयन किस जिले में है, उसको आपको करना है। फिर रोजगार पंजीयन का आपको नंबर जो आपको मिला है वो आपको डाल देना है, पंजीयन की तारीख डाल देना है, आपको किस तारीख को आपका पंजीयन हुआ है। अगला पूछा क्या मध्य प्रदेश की निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे चले जाइए। जैसे आप नो करेंगे आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगी। अगला ऑप्शन पूछ रहा है विकलांगता का, अगर आपका विकलांगता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे चले जाइए। दोस्तों हम पूछ आगे बढ़ते हैं और जिसमें अन्य विवरण पूछ रहा है क्या आप दंडित है, क्या विवर्जित अवधि में है, सेना वगैरह है, सैनिक से है, कोई आपराधिक केस आपके ऊपर लंबित है, तो अगर दोस्तों ये सब चीज़ें है आपका तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सम्मानित अगर आप कोई खिलाड़ी है तो उसका भी आपको कोटा मिलेगा, नहीं तो नो कर सकते। अगला ऑप्शन है दोस्तों क्या आप स्नातक है, तो यस कर दीजिए उसको दोस्तों स्नातक है। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
दोस्तों हम नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा हाई स्कूल, यानी कि 3 वर्ष जो आपने परीक्षा पास की उसका हाई स्कूल डाल दीजिए। यहाँ आपको डिवीजन में मिला है कि सीजीपीए में, वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपने सारे सब्जेक्ट डालने हैं, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिवीजन आपको डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, वो 3 वर्ष डालना है आपको, और यहाँ जो आपका प्रमाण पत्र या मार्कशीट पे जो भी रोल नंबर अंकित है उसको आपको डाल देना है। अगला ऑप्शन है इंटरमीडिएट का, फिर वही चीज़ें आपको भरनी है, यहाँ पे डिवीजन डालना है, यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डाल देना है, प्राप्तांक पूर्णांक डाल देना है, डिवीजन डाल देना है, बोर्ड का नाम डाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है वो डाल देना है। अगला ऑप्शन है आपका सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डाल देना है, आपको यहाँ पे टोटल नंबर डालना है, डिवीजन डाल देना है, कहाँ से आपने एग्जामिनेशन को किया है वो डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, और यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। दोस्तों अगर आपका सी जी पी ए तो नीचे करना है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस वालों का ऑप्शन है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना वर्तमान पता डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, पिन कोड डालना है, राज्य का नाम डालना है। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका क्या, दूसरा, दोनों एड्रेस आपके सेम है, अगर सेम है तो यस कीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों फोटो सिग्नेचर की, तो फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करके लगाना है, उसके नीचे आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, उसके यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों फोटो सिग्नेचर लगाता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों देखिए जैसे ही आप फोटो को अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको वाइट बैकग्राउंड की फोटो लगानी है, और कोशिश कीजिएगा कि आपके दोनों कान दिखाई दे, किसी प्रकार की ब्लर्ड फोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ब्राउज करके आपके मोबाइल कंप्यूटर पे जहाँ पे भी हो इस तरीके से आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। दोस्तों फोटो सिग्नेचर लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ, फोटो सिग्नेचर आपको लगाना कहता है, फोटो होनी चाहिए उसके ठीक नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए इस तरीके से। आप देख सकते हैं अगर आपने इस तरीके से गलत कुछ भी लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसी प्रोसेस में आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फोटो सिग्नेचर हमारा लग चुका है, फोटो इस तरह होगी, नीचे आपका सिग्नेचर होगा, सब कुछ सही होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों हम डाल के आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, केवल इस बार 4 ही एग्जामिनेशन सेंटर है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। दोस्तों अभी तक क्या होता था, एमपीपीएससी में बहुत एग्जामिनेशन सेंटर रहते थे, जैसे रीवा है, सतना है, सागर है, बहुत ही ज्यादा रहते थे, लेकिन इस बार मैं बता दूं केवल 4 ही एग्जामिनेशन सेंटर है। तो चलिए दोस्तों इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करना है, हम 2 सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा है जिसको कि आप कॉपी कर लीजिए, ताकि अगर आपका पेमेंट अभी ना हो तो बाद में हो सके, अगर आपने किसी वजह से नंबर नहीं नोट किया तो आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों नंबर तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही आपका लॉगिन होगा। चलिए दोस्तों हम आपको उसका पेमेंट करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने जैसे आपको बताया था कि इसमें 40 रुपये आपका GST और पोर्टल शुल्क लग रहा है, आपने उसको करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, और पेमेंट आपके अकाउंट से कंप्लीट हो जाएगा तब। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं इसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, SBI EPS से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, और NDML का जो पोर्टल है भारत सरकार का उसके थ्रू भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, IMPS से, UPI से, वॉलेट से, और साथ ही साथ एक ऑप्शन सबसे अच्छा है वो है कैश पेमेंट का, कैश पेमेंट लेकिन आपको MP ऑनलाइन के जो ऑथराइज कियोस्क है वहीं से करवाना पड़ेगा। अगर आपको आपके मोहल्ले में आपके आसपास MP ऑनलाइन का कहीं कोई कियोस्क दिखाई दे तो वहां से आप इसका फॉर्म भी भरवा सकते हैं और पेमेंट भी करवा सकते हैं, वो भी विदाउट किसी चार्ज के। तो दोस्तों पेमेंट करते वाले आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका एलिजिबल हो जाएंगे, आप फिर अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।